ये लोगों को जो सोचना है ये सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम अब भी सोच रही हो कि ये लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे? अब ना मैं तुम्हें जोर से हक करने वाला हूं। नहीं नहीं नो 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 नो, कोई कोई ऐसा वैसा कुछ गलत नहीं सोचेगा। अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी थी, क्या सोच रही थी? जिस लड़के से तेरा रोका हुआ है वो मुझे पसंद नहीं, और जिस लड़के से शनाया का रोका होने जा रहा है वो मुझे बहुत पसंद है, समझी तू? और रही शनाया की शादी के बाद खुश ना रहने की बात ना, तो कुछ नहीं होगा, जब ढेर सारा पैसा होगा ना तो फॉरेन की 2-4 ट्रिप कर लेके खुश हो जाएगी लड़की। राजवीर तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक बुरी बहन, बुरी बेटी या बुरी इंसान हूँ? नॉट एट ऑल पलकी, तुम तो वर्ल्ड की बेस्ट सिस्टर, बेस्ट डॉटर हो। तुम सच में बहुत अच्छी हो, सबका कितना ख्याल रखती हो, सबके बारे में कितना सोचती हो तुम। अरे तुम तो इतनी अच्छी हो कि किसी के साथ कुछ बुरा करना तो सोचो, किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकती हो। यू आर दी बेस्ट। नहीं, तुम ये सब इसीलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो? बल्कि मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम सच में बहुत अच्छी हो, और तुम इतनी अच्छी हो ना इसलिए सब तुम्हें इतना पसंद करते, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत ज्यादा प्यार? नहीं, तुम बस मुझे पसंद करते हो, आई नो दैट। नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा। और पता है ये पसंद से भी बहुत ज्यादा को क्या कहते हैं? इट्स लव। बल्कि अरे तू यार इतना वहां से क्या क्या कर, इतना परेशान? मैं कह रहा हूँ नहीं आएगी। क्या चाहता है तू? अरे मैं चाहता हूँ क्या नहीं चाहता हूँ वो तो अच्छी तरह से जानता है। तो उसके लिए थोड़े तो पेशेंस रखने पड़ेंगे ना यार करण, तो कितना पेशेंस? अरे रखना तो पड़ेगा, अभी तुझे मैंने बोला है दिल के मामलों में पेशेंस रखने पड़ते हैं मेरे भाई, तो इतना क्यों परेशान हो रहा? पिताजी आएंगे, टेंशन मत ले। फोन किया क्या? फोन किया उसने? हाँ बोलो ना, पिता ने फोन किया क्या? क्यों आ रही है? मुझे यकीन था, मुझे पूरा यकीन था कि वो जरूर आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। उसके उसके बेटे का रोका है और वो ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे वो शुरू से ही बहुत जिम्मेदार लड़की है, खाना तो लाजमी है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना आए। बेबी मेरा ना उनका फोन आया ना वो आई है, इसलिए थोड़ा सैड हो रहा है, पर आ जाएंगी, थोड़े से पेशेंस रखने पड़ेंगे, वो आ जाएंगे, आई एम श्योर वो आएंगे। आएगी क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, जिम्मेदार लड़की है, उसने वो जानती है कि बहनों का आदर सम्मान कैसे किया जाता है, छोटों से प्यार कैसे करते हैं, लेकिन साथ साथ एक सेल्फ एस्टीम भी होती है ना, वो कूट कूट के भरी है उसके अंदर, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की है, उसके लड़ना आता है उसे, ये है ना जो लड़ता रहता है उससे हमेशा, इसी वजह से नहीं आ रही। अगर वो नहीं आ रही तो उसके पीछे कारण भी यही है, और करना चाहिए उसको, हरा के दिखानी चाहिए। प्राउड ऑफ हर, मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। गर्व है आपको, बट आई डोंट लाइक हर। लाइक करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना तू मेरा बेटा है ना उतनी प्रीता मेरी बेटी है, उससे ज्यादा मानता हूं उसको मैं। तू अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकता ना तो कुछ गलत बोलने की कोशिश करना मेरी बेटी के बारे में। अरे बोलना, कुछ अच्छा बोलना कि बोल के वो आएगी,
वो अगर आज नेहा नहीं आ रही है तो वो भी तेरी वजह से नहीं आ रही है। तेरे झगड़ों से परेशान होकर गई थी मैं यहां से, सोच रही होगी कि क्या करूं, लेकिन मुझे यकीन है उस पर, वो अपने बेटे के रोके के लिए जरूर आएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता तू क्या सोचता है। मैडम आप तो सेंटी हो रहे हो, तो इसको बोल मेरी बेटी के बारे में कुछ ज्यादा बकवास नहीं करेगा, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तू मत बोल, बकवास मत कर, मैंने बोल दिया, अब नहीं करेगा बकवास। कितनी बड़ी नौटंकी हो ना, कितनी बड़ी नौटंकी। बात सही बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप प्रीता की साइड लेते हो ना तो क्यूट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आई लव यू। बस एक बार प्रीता यहाँ आ जाए, फिर उसे मैं ना वॉशरूम में लॉक कर दूंगी, बाहर ही नहीं आने दूंगी। बिन वॉशरूम में होगी। कहाँ है शगुन का थाल? अरे यही तो रखा था। शायद शनाया अंदर होगी, मैं देखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्या पता कोई हेल्प की जरूरत हो। प्रीता ने मुझे देख लिया। अच्छा, एक बार वो ट्राई कीजिए ना प्लीज। हाँ ट्राई कर रही हूँ लेकिन नहीं खुल रहा है, यहाँ पे तो कोई लॉक भी नहीं है। अच्छा आप रुकिए, मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ। बेब्स, अगर ये बाहर जाएगा तो सबको पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था, और फिर हम दोनों तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे। बेब्स क्या करें? वरुण क्या हुआ? नहीं, कुछ तो हुआ है जो तुम मुझे बता नहीं रहे हो, बताओ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, डैड का फोन आया था ऑफिस से, कुछ वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी तो वो डिस्कस कर रहे थे। नथिंग मच। मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ या मेरी फैमिली कोई हेल्प कर सकती है? बस यही सुख दे देना। मतलब ये कि अभी मैं जैसे प्रॉब्लम में था, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट था, तुम आई, तुमने मुझसे पूछा, मैंने तुम्हें प्रॉब्लम बताई, तुमने फट से मुझे सलूशन दे दिया कि मैं कुछ हेल्प करूं क्या, या मेरी फैमिली कुछ कर सकती है। यही चाहिए था, बस यही बेहतरीन, एकदम सुकून चाहिए। तुम्हारी जगह अगर दूसरी लड़की होती ना तो मुझसे चार बेहतरीन सवाल और पूछती, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, शक और उल्टा करती मेरे पे कि कहीं कोई लड़की वड़की का फोन तो नहीं था। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूं जो शक करती हैं। ऑब्वियसली तभी तो मैं बोलता हूं कि I'm so lucky to have you. काफी ऐसी लड़की मिल रहा, मेरी जिंदगी बन गई। अब बस ताला मक्खन मत लगाओ तुम, ठीक है? सब समझती हूँ मैं। अरे मक्खन नहीं मार रहा हूँ, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अभी छेड़ रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले। ना मैं शनाया से जलती नहीं हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उसका बुरा कभी नहीं सोच सकती। अलके पत्थर, हुआ क्या? कुछ नहीं बाऊजी, बस माँ को याद दिलाना था कि शनाया मेरी छोटी बहन है, मैं उससे प्यार करती हूँ, उसकी फिक्र है मुझे। तुम्हें भले ही मुझसे शादी नहीं करनी, कोई बात नहीं, लेकिन खुद तुम्हारी फैमिली वाले तुम्हारी शादी मुझसे करवाएंगे,
मैं तुम्हें ऐसा कोई मौका नहीं दूंगी जिससे तुम इस शादी से भाग सको। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, इस वक्त यहाँ पे मैं कोई सेवा नहीं करना चाहती, इसलिए अपना मुंह बंद रखिए, कुछ मत पूछिए मुझसे। जो कुछ हो रहा होने दीजिए, मैं घर चलकर सब बताती हूँ। वो बातें अधूरी रह गई थी। वैसे तुम इतनी परेशान और घबराई हुई क्यों लग रही हो? बल्कि वो नहीं चाहती कि तेरी शादी शौर्य के साथ हो। वो मुझसे कह रही थी रिश्ता तोड़ दो, इसलिए याद रख वो तुझसे जलती है। वो तेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। कुछ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना जहाँ आपकी फैमिली आपको समझती नहीं है। करेक्ट। और ऐसे टाइम्स में यू नो, जब भी तुम्हें अकेलापन फील हो, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो या फिर कभी भी मिल सकती हो। पता है, तुम मुझसे बात करोगी ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। आई एम श्योर, आई प्रॉमिस। एक सेकेंड। ये आपकी बेटी पलकी कंटिन्यूअसली राजवीर से बात करती रहेगी क्या? मेरा भी तो रोका है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि पलकी राजवीर से बात करे? अब वो दोनों मंगेतर है कि नहीं? So what? फिर भी एक मिनट। Sandy, music. अब मेरी तरफ देखो और मुझे बताओ कि तुम ठीक हो ना? Yes. तुम ये देख के अमोके। जन्म
यही आज दिल शायराना 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 लगता है शाम 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 को शाम 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 को खुद से ज्यादा दिया है तेरे नाम 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 को नाम 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 को मेरी बातों में तेरा ओ, आना जाना लगता है यही शिकाना 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 लगता है आज दिल शायराना लगता है तुम खामोशी तुम ही हो मेरी बात 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 भी बात 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 भी दिल ये रहता रब में ये बेगाना लगता है ये बड़ा साहिबाना 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 लगता है यार दिल शायराना 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 लगता है अभी अभी प्यारा सा चेहरा दिखा है जाने क्या कहूँ उस पे क्या लिखा है गहरा समंदर दिल डूबा जिसमें घायल हुआ मैं उस पल से इसमें नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर क्या कसूर वे कसूर वे कसूर ए दिल तो बता रे दिल को हजारों बांधे थे धागे पर बाजी निकला ये हमसे आगे हुआ क्या है हुआ क्या है हमको हाय इस पल ये दौड़े उस पल ये भागे होनी हो जाए तब न जागे हुआ ये है समझो दिल मिल के मिलते सांचे और खांचे जो है बनाता ऊपर से छाके बत्ती है ना है धूप ना कपूर नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर मुहूर्त का समय हो गया है रोके की रस्म शुरू करते हैं आप सब लोग आ जाइए आओ जी चलो चलो सब लोग आ जाओ इधर आ जाओ अरे तू क्यों अंदर आई तू बाहर होती तो मैं तुझे कॉल करके बुला लेती तू खोल देती ना मुझे क्या पता था कि हम दोनों यहाँ ऐसे वॉशरूम में फंस जाएंगे मैं तो प्रीता को लॉक करने आई थी और हम ही लॉक हो गए प्लीज आप क्या करें तू मुझे स्टूपिड बोल रही है हमें ये सोचना चाहिए कि प्रीता को बाहर जाने से कैसे रोके दरवाजा कैसे खोले बाहर कैसे जाए जोड़ी लग रही है दोनों की बिल्कुल जैसे भगवान ने अपने हाथों से बनाई हूँ अरे कोई फोटो वोटो तो खींचो प्रियंका फोटो खींच ना देख मीडिया वालों को ये लोगों ने अंदर नहीं आने दिया तो तू फोटो खींच कर भेज देना बांट देना उन लोगों में
ताकि पेपर में छप जाए, है कि नहीं? मुझे लगता है वो आएंगे। पता मैं क्या चाहता था कि रोके की सारी रस्में ना शौर्या की मां करे। हाँ तो मैं निधि आंटी को भी लेके आता ना, यूं गया और यूं लेके आया। अरे 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 अरे, तू कहाँ जा रहा है? तेरे को पता है हम क्या बात कर रहे हैं? चिल करना, आराम से एप्पल एप्पल खा, एंजॉय कर। यहां ओ नो, कुछ कर दो भगवान जी।